हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। वलाज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल के सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप 20 सेकंड के अंदर चाहे जैसा बायोडेटा बना सकते हैं। अब आपको गूगल पे बायोडेटा के फॉर्मेट तलाशने की जरूरत नहीं है, ना ही साइबर कैफे जाकर घंटों खराब करने की जरूरत है। तो अगर आप चाहते हैं एक प्रोफेशनल बायोडेटा बनाना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बारे में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं उस कमाल के सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, आप उस सॉफ्टवेयर को किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पर इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी A9 फोन इस्तेमाल कर रहा हूं और इसके अंदर मैं आपको सॉफ्टवेयर को यूज करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के मेन्यू में जाएंगे और उसमें प्ले स्टोर पर हमें क्लिक करना है, जो कि नॉर्मली हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए यूज करते हैं। इसमें मैं सर्च करने वाला हूं रिज्यूमे बिल्डर। यहां पर देखिए ऑलरेडी सर्च था, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन खुल गए, आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो यहां पर मुझे जो तीसरे नंबर पर नजर आ रहा है एरिस्टोस का, जो ये बनाया हुआ, ये डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है, ये कमाल का है। इसकी रेटिंग मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो है ऑलमोस्ट 4.4 इसे गूगल ने रेटिंग दी है और काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए। आप इस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आप नॉर्मली मेन्यू में जाकर इसको ओपन करेंगे। देखिए यहां पर ये नीचे वाली रो में मेरे पास आ गया। अब मैं इसे ओपन करता हूं, हालांकि क्योंकि आपको फ्री में अपनी सर्विसेज इतनी सारी दे रहा है तो थोड़े बहुत एडवर्टीजमेंट आ सकते हैं, तो आपको उससे कोई परेशानी होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उनको हटा सकते हैं जो है, अगर आप उन्हें नहीं देखना चाहते हैं तो। देखिए यहां पर कई सारे ऑप्शन खुल गए, जैसे कि मैं यहां पर देखूं क्रिएट रिज्यूमे या फिर कवर लेटर है, या फिर इस सॉफ्टवेयर को आप रेट वगैरह करना चाहते हैं तो, या फिर अपने फ्रेंड को इन्वाइट करना चाहते हैं, फीडबैक है और कुछ है। तो फिलहाल हमें रिज्यूमे बनाना है तो सबसे ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक कर लेने के बाद एक ऐड आ गया, जैसा कि हम नहीं चाहते तो क्लोज कर देते हैं ऐड को। फिलहाल हम आ गए इसके मेन्यू पर। देखिए अब यहां पर ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी, लेकिन कमाल की बात यह है एक ही बार करनी है, इसके बाद आप हजारों बार अलग अलग तरीके के रिज्यूमे बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले ऊपर है पर्सनल इन्फो। पर्सनल इन्फो में मैंने देखिए एक ही बार डाला था, वो अभी तक सेव है। सबसे पहले नेम है, मैंने उसमें सरताज डाल दिया। उसके बाद एड्रेस इसने मांगा था तो मैंने एक जो है एड्रेस डाल दिया, चावड़ी बाजार B3, जो कि पूरा एड्रेस नहीं है क्योंकि वीडियो में मुझे दिखाना था। इसके बाद दिल्ली 6 मैंने इसका पिन कोड डाल दिया था। अब यहां पर एड्रेस सही लाइन में, क्योंकि एड्रेस उसमें कंप्लीट हो गया तो छोड़ दिया मैंने। इसमें मैंने एक ईमेल डाला है जो कि मेरा एक रियल ईमेल आईडी है, जो कि है admin@sartajclasses.com। इसके बाद एक मोबाइल नंबर डालना था जो कि मैंने इसमें एक फेक डाला है, लेकिन आप रिज्यूमे असली बनाएंगे तो आप उसको ठीक डालिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी है इसके अंदर। इसके बाद मैरिटल स्टेटस है, सिंगल है, मैरिड है या फिर डाइवोर्स लिख सकते हैं। नॉन लैंग्वेजेस में आपको जितनी भी लैंग्वेजेस आती हैं लिख सकते हैं, मैंने यहां पर इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी लिख दी है। इसके बाद नेशनैलिटी में हम सब भारतीय हैं तो लिख दिया और इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही आप सेव करते हैं अब अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि आपको फिल करनी है, तो मैं यहां पर एजुकेशन पर क्लिक करता हूं। फिर से मेरे सामने कुछ कॉलम खुल गए, जैसे कि सबसे पहले कोर्स पूछ रहा है तो मैंने अपना वाला भर दिया, बीए इंग्लिश ऑनर्स भर दिया। इसके बाद ये कह रहा कहां से किया था आपने, मैंने खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी भर दिया। उसके बाद कह रहा परसेंटेज कितनी आई, तो मैंने 80 भर दिया, हालांकि हकीकत नहीं है इतनी, मैं तो सपने में भी नहीं ला सकता। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग मैंने 2015 कर दिया। इसके बाद अगर आपने कोई और कोर्स किया है तो वो भी आप भर सकते हैं, जैसे मैंने किया था वीडियो एडिटिंग का कोर्स एरिना से, तो मैंने वो भर दिया जिसमें मेरे 90% आए, इसमें तो यार सच में 90 आए थे। और ईयर ऑफ पासिंग मैंने इसमें 2010 डाल दिया। अगर आपकी और भी क्वालिफिकेशन है तो आप ऐड पर क्लिक करके और आगे क्वालिफिकेशंस को भर सकते हैं। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, आपने कभी किसी कंपनी के साथ काम किया हो तो उसमें कर सकते हैं, नहीं किया तो आप छोड़ सकते हैं, फ्रेशर माने जाएंगे। मैंने किया था, मैंने इसमें वर्क एक्सपीरियंस में ऑर्गेनाइजेशन जेनपैक्ट कंपनी के साथ किया था किसी जमाने में, तो बस जेनपैक्ट लिख दिया। डेजिग्नेशन खाली छोड़ दी, कब से कब तक किया था, 2014 से 16 तक 2 साल वहां पर काम किया। और मेरा जो रोल था वहां पर वो डेटा होल्डर का काम था, यानी कि जो बैकेंड में जितना भी काम होता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग और इंटरनेट से जुड़ा। इसके बाद अगर आपका कोई और भी कंपनी में ताल्लुक रहा है किसी और कंपनी से या उसमें काम किया है, ऐड पर क्लिक करके आप उस पर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर आप अपनी प्रोजेक्ट डिटेल, कोई प्रोजेक्ट है भर सकते हैं, फिलहाल मेरा तो कोई प्रोजेक्ट नहीं था उसे छोड़ दिया। टेक्निकल स्किल के अंदर अगर कोई टेक्निकल स्किल है आपका तो वो भर सकते हैं, कोई और कोर्स आपने टेक्नोलॉजिकल किया हो तो मैंने इसे भी खाली छोड़ दिया। इंटरेस्ट में अपनी हॉबीज भर सकते हैं, आपकी जो भी हॉबी है तो वो यहां पर मैं भर सकता हूं, हालांकि वो मैंने आगे वाले कॉलम में भरी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक और कॉलम आएगा। इसके बाद आपका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, इसे छोड़ देते हैं। अचीवमेंट, अगर आपको कोई अवार्ड लाइफ में या कुछ किस चीज का कोई अचीवमेंट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट मिला है तो आप इसमें फिल कर दीजिए। जैसे मुझे मिला था बेस्ट एक्सेंट ट्रेनर अवार्ड मिला था 2018 अभी हाल ही में दिल्ली ईस्ट दिल्ली से, तो मैंने यहां पर उसको फिल कर दिया।
इसके बाद यहाँ पर एक्टिविटीज के अंदर आप अपनी एक्टिविटी भर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी एक्टिविटी भर दी, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैंने यहाँ पर यूट्यूबर ही लिखा है, मैं यूट्यूबर। रेफरेंस अगर किसी का तो वो रेफरेंस भर सकते हैं, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव है आपका कोई वो भर सकते हैं, यानी खाली छोड़ सकते हैं अगर चाहे तो। और ये फोटो वाला सेक्शन कमाल का है, इसमें आप अपनी फोटो लेकर इस पर जो है लगा सकते हैं अपनी गैलरी से, और नीचे सिग्नेचर है तो आप इसी में ही अपने सिग्नेचर भी फिलअप कर सकते हैं, अपनी उंगली से कर सकते हैं फिलअप यहां से भर के, या फिर आप फोटो लेकर उसको यहां पर अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही आपकी सारी डिटेल फिलअप हो गई, भाई अब हम तैयार हैं रिज्यूमे क्रिएट करने के लिए। अब आपको जनरेट, क्योंकि ये सेव हो चुकी है, अगर आप मैं सॉफ्टवेयर बंद भी कर दूं तब भी मैं आराम से बाद में आकर जो है इन डिटेल्स को के आधार पर अपना रिज्यूमे बना सकता हूं। फिलहाल मैं यहां पर जनरेट पर क्लिक कर देता हूं, और जैसे ही मैं जनरेट पर क्लिक करता हूं तो ये एक ऐड आ गया, मैं इसको हटा देता हूं। तो मेरे पास अब ये कह रहा है तीन तरह के रिज्यूमे हैं, फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, या क्रिएटिव है। तो फ्रेशर रिज्यूमे पहले बनाकर देखते हैं। फ्रेशर पर क्लिक करते ही बहुत सारे फॉर्मेट आ गए मेरे सामने, ये मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए सबसे ऊपर वाला मैं बना लेता हूं, हालांकि सबसे ऊपर वाले में फोटो नहीं है, तो जो फोटो अपलोड मैंने करी थी वो फोटो नहीं आएगी। फिलहाल मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और ये डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। देखिए ये कितना इजी काम है, डाउनलोड करते ही ये मेरे मेमोरी में खुल गया, इसके लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। और ये मैंने पीडीएफ को सेव कर दिया और यहां पर डन कर देते हैं। आइए अब इस सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं, यानी बिल्कुल क्लोज कर देते हैं। ये मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं जा रहा हूं वापस से अपने जो है गैलरी, उसमें मेमोरी कार्ड में, जो ये वाई फाइल में गया उसके बाद फोन मेमोरी में सेव हुआ था। और यहां अगर मैं सबसे नीचे आके देखूं तो डिफॉल्ट जो लिखा हुआ है यही मेरा रिज्यूमे है। चलिए इसको खोलकर देखते हैं। भाई वाह, तो बेहद खूबसूरत इसने देखिए बना दिया। आपने सिर्फ डिटेल भरी थी, इसने ऑटोमेटिकली उसके अंदर काफी चीजें, कॉलम्स वगैरह सारी चीजें दे दी हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर ये मेरा एड्रेस भी दे दिया, नाम भी दे दिया, और मेरी ईमेल आईडी बहुत अच्छी जगह लगाई है, करियर ऑब्जेक्टिव भी दे दिया। अच्छा, मैंने उसमें लिखा था, वो कॉलम मैंने खोला नहीं था, मैं करियर ऑब्जेक्टिव भी मैंने लिखा था, जिसमें मैंने लिख दिया था आई वॉन्ट टू वर्क विद अ कंपनी विच वर्क्स लाइक अ प्रोफेशनल। तो वो भी आप अपना ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस उठाकर। इसके बाद इसने कुछ ऐसा कॉलम बना दिया जिसमें मेरी क्वालिफिकेशन इसने दी, और लास्ट में यहां पर देखिए मेरा सिग्नेचर भी शो कर रहा है, जो कि यहां आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब एक काम करते हैं, एक और रिज्यूमे बनाते हैं, और इस बार फोटो वाला रिज्यूमे बनाते हैं। तो मैं वापस से जाऊंगा मेन्यू में, और मेन्यू में जाने के बाद मैं इसको खोल लेता हूं। अब जैसे ही मैं यहां पर इसको खोलता हूं तो ये आस्क मी लेटर इसको कर देते हैं, क्रिएट रिज्यूमे आएगा, लेकिन अब आपको डिटेल नहीं भरनी है क्योंकि अब आपकी डिटेल सेव हो चुकी है। हालांकि उन डिटेल्स को आप अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर डायरेक्टली जनरेट रिज्यूमे पे जाऊंगा। जनरेट पे कर लेने के बाद यहां पर देखिए फ्रेशर एक्सपीरियंस, तो फ्रेशर पे क्लिक करेंगे। पहले मैं आपको एक्सपीरियंस वाला और दिखा देता हूं। देखिए बहुत सारे डिजाइन्स आ गए एक्सपीरियंस रिज्यूमे के हैं। हालांकि हमने अपनी इतनी सारी डिटेल तो भरी नहीं थी, काफी सारे कॉलम खाली छोड़ दिए थे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, हालांकि बन जाएगा ये। तो फ्रेशर पे क्लिक करता हूं, एक फोटो वाला देख लेते हैं। तो ये रहा फोटो वाला 7 नंबर पे, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं और ये मुझे डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, फिर से मेरे मेमोरी में ये सेव करने के लिए कह रहा है। तो मैंने इसको सेव कर दिया और यहां पर ये सेव हो गया। चलिए अब इसको बंद कर देते हैं, वापस से अपने मेमोरी में जाते हैं, और नीचे देखिए डिफॉल्ट दूसरा वाला आ गया, और मैं इसको क्लिक करता हूं, खोलते ही ये मेरा फोटो वाला भी आ गया। भाई फोटो भी इतनी अच्छी जगह लगाई है, सब कुछ है, यहां साइड में देखिए सिग्नेचर भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सिग्नेचर ऐसे मैंने कर दिए थे उल्टे सीधे, आप जरा ध्यान से करिएगा। इसके अलावा ये जितनी भी डिटेल मैंने यहां पर फिल की थी सारी दिखा रहा है। तो ये था आज का हमारा सॉफ्टवेयर। आशा करता हूं कि आपको ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत पसंद आया होगा, और इस सॉफ्टवेयर का जो लिंक है मैंने यहाँ के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही और मजेदार सॉफ्टवेयर्स इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको और मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक फिर से नहीं किया आपने तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला सॉफ्टवेयर कैसा लगा।